Assalamu alaikum guys, today our topic is material calculations of M20 grade concrete. अब ये M20 से इस सिर्फ M20 के लिए है, लेकिन आप इसको समझेंगे तो बाकी जो ग्रेड्स हैं M15, M25 एंड else वो भी आपको इजीली समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे देखें कि M means क्या होता है। M means यहाँ पे M का जो मतलब है, ये जो M है वो मिक्स होता है, और नीचे जो 20 आप नज़र आ रहे होते हैं M20 यानी कि 20 जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है बेसिकली, जो हम कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से टेस्ट करते हैं। ये आप M20 के लिए जो रेशो आमतौर पर लिया जाता है वो है जी 1:1.5:3, ये इसको रेशो है। अब इसमें जो 1 है, अब जो इसमें जो 1 आपको नज़र आ रहा है, 1 जो है ये 1 ये सीमेंट होता है, ये सैंड होता है, और ये हमारे पास होता है जी कोर्स एग्रीगेट होता है। तो इसी तरह नीचे चलेंगे तो फॉर एग्जांपल हम करने वाले हैं कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी डायमेंशन जो है 6 × 6 × 6 यानी कि 216 उसका क्यूब इंच आ जाता है, यानी कि इंच में देखा जाए तो। और इसी तरह मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसका जो कुछ यूँ आ जाएगा। अब आप इस बात को अपने जहन में रखें कि ये जो हमारे पास जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है वेट वाला। अब हमने साइड और लेब में करते हैं तो वेट वाला आ जाते हैं। अब हम इसको लेब में करेंगे तो हमारे पास जाहिर सी बात है मटेरियल्स जो है हमारे पास ड्राई में होते हैं, तो ड्राई में करने के लिए इसको हमने जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से आप किसी एक के साथ कर लें। मैं इसके साथ कर रहा हूं क्योंकि 1.54 से करेंगे तो मे भी कम पड़ जाए, 1.57 से करेंगे तो ज़्यादा बच गया तो कोई मैटर नहीं करता यार, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। कम हो गया तो फिर मसला हो जाता है वहाँ पर, फिर उसकी सेटिंग वेटिंग में जो मसला पड़ जाता है सेटिंग स्ट्रेंथ में, यानी कि जो हम दोबारा बनाएंगे तो मैं उस लिहाज से बोल रहा हूँ दोबारा बनाएंगे, पहले बना हुआ था तो उन दोनों की जो प्रॉपर्टी करेक्टरिस्टिक्स हैं थोड़ी आपस में नहीं मिलती। अब इस तरह ड्राई वैल्यू में हमारे पास ये चीज़ आ गई ड्राई वैल्यू। अब ये आने के बाद हमारे पास जो है सम ऑफ रेशियो कर लेंगे, सम ऑफ रेशियो करने के ये सारे के सारे रेशियो हमारे पास 5.5 आ गया। डेंसिटी ऑफ सीमेंट ये है, और डेंसिटी ऑफ सैंड ये है, और डेंसिटी ऑफ कोर्स ग्रेट ये है। अब याद रखें डेंसिटी आप खुद मालूम भी कर सकते हैं, आप लेब में फॉर एग्जाम्पल बस क्यूब है, आप उसमें सैंड भरें, सैंड भरने के बाद उसका मास ले लें और उसका वॉल्यूम के साथ आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास आपके पास उसकी डेंसिटी इजीली यहाँ पर जो है आ जाएगी। आप इसकी डेंसिटी लिख लें, आप वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड केजी यहाँ पे सिंपली जो 1 था वो सीमेंट था, ये कर लिया, ये फार्मूला आप देख रहे हैं। तो ये हमारे पास एक क्यूब के लिए हमारे पास आ गया, और सेम ये सैंड के लिए आ गया, और सेम थिंग ये हमारे पास आ गई कोर्स ग्रेड के लिए। और ये मज़े की बात ये है कि आप इसको ईजिली ना जो हमारे ऊपर जो 1 के लिए आया था 1.45 सीमेंट के लिए, उसको आप 1.5 से कर लेंगे सेंड के लिए, तो सेंड का आ जाएगा सेम जो है कोर्स ग्रेड के लिए। और वाटर सीमेंट रेशियो है बेसिकली 4.4 से 0.6 तक लेते हैं, और मैं यहाँ पे M20 के लिए जो बेसिकली जो है 0.55 लेते हैं, तो यहाँ पे ले लिया सी जो है वेट ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई वो करते हमारे पास ये चीज़ आ गई उस पानी का वेट इन केजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।